हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सबको मिक्स एक राज चैनल के और एक नए वीडियो में। अमेजोन या फ्लिपकार्ट में मैंने ढेरों सारे गैजेट का ऑर्डर किया है, लेकिन पता नहीं मेरे पास पहुंचने में क्यों डिले हो रहा है। आप लोगों को दिखाने के लिए मेरे पास गैजेट नहीं पहुंच रहा। एक गैजेट मेरे पास पहुंचा है, तो चलो एक छोटा मोटा वीडियो बना के आप लोगों को वही गैजेट अभी दिखाते हैं। अभी आप लोग भी वीडियो का इंतजार में होंगे शायद, और अगर टाइम पे वीडियो नहीं डाला तो यूट्यूब भी मेरा नाम यूट्यूब से काट देगा। तो चलो इस छोटे से प्रोडक्ट का एक बार रिव्यू अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। प्रोडक्ट आपका छोटा सा है लेकिन प्राइस इसका अच्छा खासा है, तो हम लोग आज वही देखेंगे कि अपने प्राइस रेंज में जस्टिफाइड है या नहीं, आप लोगों को इसको लेना चाहिए या नहीं। तो चलो फटाफट से वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बॉक्स को ओपन करके देख लेते हैं इसमें क्या है। दोस्तों बॉक्स को ओपन करने पर बाप रे, तो पैकिंग ऐसा करके दिया है जैसे मुझे ये जिंदगी में खोलना ही नहीं पड़ेगा। चलो निकाल के देख लेते हैं, इतना बड़ा रैपर दे दिया। आगे आपको इसको दिखाते हैं, देखो इतना अच्छा से पैकिंग करने के बाद ये कैसे आया है। तो चलो इसको ओपन करके देख लेते हैं। इसको ओपन करने पर हम लोगों को पहले मिल जाता है स्टैंड, इसको निकालने पर ये हम लोगों को कुछ तरीके का ट्राइपॉड मिल जाता है, ये हम लोग आगे दिखाते हैं। दोस्तों फिलहाल तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये क्या है, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये है आपका एक प्रोजेक्टर लैंप जो आपका मून के शेप में आता है। तो बॉक्स में हम लोगों को सिर्फ यही कुछ मिल जाता है, एक आपका ट्राइपॉड और दूसरा है आपका एक प्रोजेक्टर लैंप, और उसके साथ है हम लोगों को यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फिल्म जिसको दिखाने के लिए मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ। तो चलो सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं। इसको निकालने पर देख सकते हो कुछ इस तरीके का हम लोगों को एक प्रोजेक्टर लैंप मिल जाता है। बाद में यहाँ पर ये जो ट्राइपॉड है इसको आप लोग कुछ इस तरीके से अनफोल्ड कर सकते हो। इसका जो अटैचमेंट रॉड है उसको भी आप लोग कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ करके इसको अच्छे से लॉक कर दो, और उसके बाद अपना ये जो प्रोजेक्टर लैंप है इसको अच्छे से इसके ऊपर सेट कर दो। तो दोस्तों इसको असेंबल करने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखता है। तो पावर के लिए आपका यूएसबी के साथ आता है, जिसके कारण आप कोई भी एडेप्टर में इसको कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो इसको पावर बैंक है उससे भी इसको यूज कर सकते। जो वायर है ये करीब आपका 1.5 मीटर लंबा है, और इसमें बीच में आपको एक स्विच भी मिल जाता है जिससे आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और उसके साथ हम लोगों को मिल जाती है कुछ एक्स्ट्रा फिल्म जिसको दिखाने के लिए मुझे सबसे पहले इसको पावर ऑन करना पड़ेगा। तो चलो मैं इसको पावर ऑन करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है और ये कैसा प्रोजेक्ट करता है, वो भी मैं आप लोगों के साथ ही देखूंगा। उसके बाद देखेंगे कि ये अपना प्राइस रेंज में जस्टिफाइड है या नहीं। तो चलो पहले इसको पावर ऑन कर लेते हैं। दोस्तों फिलहाल ये पावर ऑन हो चुका है और आप लोग देख पा रहे हो जो लाइट है उसमें इसका कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पे देख पा रहे हो ये ऑन हो गया है। तो इसको दिखाने के लिए मुझे अपना जो रूम है इसको पूरा अंधेरा करना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले इसको अंधेरा कर लेते हैं और आप अंधेरे में ही थोड़ा इसका मजा लेते रहो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देना, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो जैसे ही मैं वीडियो डालता हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, और आप देख पा रहे बहुत फास्ट उठ रहा है हम लोगों का चांद। ये जो फिल्म है ये आपका इनबिल्ट होके आता है, और बाकी इसके साथ हम लोगों को और 10 फिल्म मिल जाता है जिसको हम लोग 1x1 अटैच करके देखेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। चलो एक एक करके इसका जो बाकी फिल्म है उसको देख लेते हैं। ये हो गया अपना दूसरा फिल्म, अब चलो तीसरा फिल्म को भी देख लेते हैं। दोस्तों ये है आपका तीसरा फिल्म जो मुझे देखने में काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका लेंस थोड़ा हेजी है जिसके कारण आपका जो फोटो है वो भी थोड़ा हेजी आ रहा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं चौथे फिल्म की तरफ। यह अपना फोर्थ फिल्म, तो यहाँ पर आप मून में एस्ट्रोनॉट को भी देख सकते हैं, शायद ये नील आर्मस्ट्रांग ही होगा। और ये है अपना लास्ट फिल्म, अब और ज्यादा पास नहीं जाते हैं नहीं तो मेरा कैमरा ही जल जाएगा। तो दोस्तों जैसा आप सभी ने अभी देखा कुछ इस तरीके से आपका फंक्शन करता है। इसको आप किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं, आप एकदम नीचे से लेकर ऊपर कहीं पे भी इसको रोटेट कर सकते हैं। इसका जो स्टैंड है इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी इसमें जो भी है आप लोगों ने पूरा देख लिया। इसका जो फिल्म है वो काफी अच्छा है, लेकिन मेरे ख्याल से मेरे पास जो प्रोडक्ट आया है इसका लेंस थोड़ा बहुत हेजी है जिसके कारण मुझे इसका विजिबिलिटी उतना क्लीन नहीं लगा। लेकिन आप चाहो अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा तो आप एक बार इसको जरूर से परचेस करके देख सकते हो, शायद मेरी तरह आपका लेंस इतना हेजी ना हो। अदरवाइज ये काफी अच्छा है, एकदम डार्क रूम में आप इसको अगर ऑन करके रखोगे तो एक नाइट लैम्प की तरह भी काम करेगा और आसमान की तरफ देख के सो भी सकते हो। और आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ठोक के वो भी दिखा के जाना कि आप लोग अच्छा लगा।
और अगर मन में कोई सवाल हो तो जरूर से कमेंट्स बॉक्स में पूछना, मैं पर्सनली कमेंट्स पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई भी आप लोगों को जरूर दूंगा। अगर आप चैनल पे नए हो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के जाना, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाएगा और मैं भी थोड़ा मोटिवेट हो सकता हूं। आप लोग एक लाइक हम जैसे क्रिएटर लोगों को काफी मोटिवेट कर देता है। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले कोई और वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद।